हेलो बच्चों, आप सबका टूडे एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर प्रेजेंट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट इज 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। बेटा क्वेश्चन कर रहा है, हमारा एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो मैंने इसे ड्रा कर लिया। बेटा ये हेमिस्फेरिकल टैंक किससे बना? आयरन शीट से बना है, ठीक है, जिसकी थिकनेस है बेटा, ये इसकी थिकनेस है कितनी है बेटा? थिकनेस इसकी बेटा है 1 सेंटीमीटर। ओके बेटा, और क्या कह रहा है बेटा कि इनर रेडियस इज 1 मीटर। ये बेटा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है बेटा, ये आपकी इस स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपकी बेटा इनर रेडियस है, कितना है बेटा? 1 मीटर। ओके, हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। यह टैंक जो बना है बेटा, किसने आयरन से बना हुआ है, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। सो आइए नोट डाउन करते हैं, इनर रेडियस को बेटा क्या करेंगे, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना बेटा? 1 मीटर। ओके, तो बेटा हमें क्या चाहिए, इसकी आउटर रेडियस भी चाहिए, आउटर रेडियस, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेटा क्या होगा, तो आउटर रेडियस में क्या चाहिए बेटा, ये आपकी इनर रेडियस प्लस जो आपकी ये थिकनेस है सीट की वो चाहिए, ठीक है। तो इनर रेडियस क्या बेटा? 1 मीटर प्लस आपका इसकी थिकनेस क्या बेटा? 1 सेंटीमीटर है। तो बेटा 1 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/100 मीटर। तो बेटा इसे हम अगर चेंज करेंगे तो देखिए 20 है, तो आप देखिए फिर से ऊपर जो है हमें 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 0.01 मीटर आएगा। ओके, तो यहाँ ऐड करेंगे 0.01 मीटर, बेटा इसे ऐड करेंगे तुम्हारा होगा 1.01 मीटर। ये आपकी क्या होगी, आउटर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल, इनर रेडियस विथ सीट की मोटाई। ओके बेटा, तो अब हमें पूछा बेटा कि इसकी हमें क्या फाइंड करना है, यह बॉल जो है कितनी आयरन सीट के वॉल्यूम से बनी है। तो इसका मतलब बेटा पहले इसका हम टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लें, इसके बाद इसका हम इनर वॉल्यूम से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आएगा उतना इसमें आयरन सीट लगी है। आइए देखते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू, तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल है इसका हम टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2/3 पाई, यहाँ पर बेटा क्या होगा, कैपिटल आर लेंगे, आउटर रेडियस लेंगे, ठीक है, आर क्यू माइनस 2/3 पाई, और बेटा क्या लेंगे, इनर रेडियस लेंगे, इनर रेडियस मीन्स बेटा स्मॉल आर क्यू। ओके बेटा, सो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसको हम इजी करने के लिए क्या करें बेटा, 2/3 और पाई दोनों में सेम है, इसको हम कॉमन कर लेंगे, 2/3 पाई, तो बेटा ब्रैकेट के अंदर आएगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके बेटा, आइए अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 × π 22/7, मिडिल ब्रैकेट बेटा स्मॉल ब्रैकेट में आर क्यूब, कैपिटल आर हमारा क्या है, आउटर रेडियस है, वो बेटा 1.01 का क्यूब माइनस स्मॉल आर बेटा 1 मीटर का क्यूब। ओके बेटा, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 = 44, 7 × 3 = 21। ओके बेटा, इसको हम क्या करेंगे, 1.01 को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1.01 × 1.01 × 1.01 बेटा, ठीक है, माइनस 1 × 1 × 1 इस। ओके बेटा, क्लोज द मिडिल ब्रैकेट, आइए अब देखिए
नेक्स्ट स्टेप में 44/21 मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट। तो बेटा देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 × 1.01 × 1.01 तो हमारा आएगा 1.03031 माइनस 1 × 1 × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्लोज द मिडिल ब्रैकेट। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 44/21 × बेटा जब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 0.03031 आएगा। ओके बेटा, सो नेक्स्ट स्टेप में आगे देखते हैं। जब हम 44 का 0.03031 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.33344/21। ओके बेटा, और जब हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, मीटर क्यूब। ओके बेटा, इसके बाद बेटा हम 21 सो इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0634। ओके बेटा, सो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 0.0634 मीटर क्यूब ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू 0.0634 मीटर क्यूब, ये बेटा आपका आंसर होगा। इतना मीटर क्यूब आपका आयरन इस टैंक को बनाने में यूज्ड हुआ है। ओके बेटा, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को राम राम।